नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि, जो कि 4 महीने में 2000 कर की किस्त आता है और साल में 6000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आप उसका किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कुछ दिन पहले ये बंद कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था, लेकिन अब स्टार्ट हो चुका है, और आप इसका किस तरह से आवेदन कर पाएंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसका हम सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो ये वेबसाइट है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप नॉर्मल में अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो इस तरह से वेबसाइट में आ करके, तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होने वाला है, आप इसे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर पाएंगे तो आप देख लेंगे ट्राई करके यहाँ पे, और अगर आप CSC सेंटर जाएंगे तो आप वहाँ पे आसानी से आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा वहाँ पे CSC सेंटर के माध्यम से। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं और CSC सेंटर से आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर आपका CSC ID है तो आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे CSC ID आप लॉगिन करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो हमने यहाँ पे लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम CSC ID में आते हैं तो हमें हमारे सामने यहाँ पे चलता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है पीएम किसान का, ठीक है। अभी तो आया नहीं है, जैसे ही आता है आप आपको दिखाएंगे नीचे में, ये देखिए पीएम किसान आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पीएम किसान का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और CSC सेंटर से ये होता है कि इसमें पेमेंट भी होता है, उसे पेमेंट करना होता है, 12 रुपये कुछ पैसे पेमेंट होता है। अगर आप नॉर्मल से करते हैं तो यहाँ पे इसमें पेमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूलर है और यहाँ पे अर्बन है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा और रिसेंट OTP करेंगे। तो ये हुआ नॉर्मल ब्राउजर से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉर्मल वेबसाइट, ठीक है। और अगर CSC से करते हैं तो कुछ इस तरह से अपन नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का हमारे सामने आ जाता है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो पहले रजिस्ट्रेशन होता था तो एक ही परिवार के कई सदस्य रजिस्ट्रेशन कर लेते थे और कई लोग भी लाभ ले लेते थे, लेकिन इस बार जो रजिस्ट्रेशन जो वेबसाइट ओपन हुआ है यहाँ पे कुछ परिवर्तन के साथ हुआ है। तो यहाँ जो परिवर्तन कुछ हुआ है हम जो बात करेंगे, तो यहाँ पे नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राशन कार्ड नंबर यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है। यहाँ पे रेड टिक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ रेड बिंदु जिसमें रहता है ये आपको कंपलसरी भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे राशन कार्ड आपको डालना पड़ेगा। अगर आप एक राशन कार्ड में एक व्यक्ति का जैसे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फिर से राशन कार्ड यहाँ पे डालेंगे तो आपको राशन कार्ड यहाँ पे डुप्लीकेट दिखाई देंगे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे अगला सदस्य का। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप एक परिवार में एक ही व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग के लिए खाता नंबर डालते थे, खसरा नंबर, और यहाँ पे एरिया डालते थे, क्षेत्रफल डालते थे, कितना उसका ज़मीन है, और इसके बाद हम लोग सबमिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ बढ़ा दिया गया, आप देख सकते हैं, अपलोड यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना होगा, यहाँ पे लैंड जो भी डिटेल आपके पास है, जैसे रसीद है या फिर ज़मीन का जो भी है, खाता नंबर प्लॉट जो भी है आपके पास, यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और आधार कार्ड और यहाँ पे बैंक पासबुक अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे बढ़ाया गया है, और यहाँ पे ये चीज़ें और बढ़ाई गई है, लैंड रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे आपको डालना होगा, जो कि आप यहाँ जा करके आप लैंड रिकॉर्ड से जा करके यहाँ पे निकाल सकते हैं झारखंड की वेबसाइट से, जो कि इसे आप अपना रसीद वगैरह चेक करते हैं, ज़मीन चेक करते हैं, रसीद काटते हैं, उस वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म फिलअप करने का। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, उसके बाद विलेज सेलेक्ट करना है। ये सब नॉर्मल चीज़ है, आप सेलेक्ट आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद फार्मर नेम यहाँ पे फिल करना है, इसके बाद जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद कैटेगरी में यहाँ पे SC ST दिया गया है, वो जनरल और अदर दिया गया है, यहाँ पे मात्र 3 ही दिखाई देते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइप फार्मर यहाँ पे देखिए स्मॉल या अदर, जैसे कि आपका 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो वहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे, अगर 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के बीच में है तो आप यहाँ पे स्मॉल पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल डालना होगा, IFC कोड यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे बैंक नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे IFC कोड यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे बैंक आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। और इसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, और यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है, अपने एरिया पिन कोड, और इसके बाद फादर, हस्बैंड या मदर नेम यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे